चैनल डायग्रामेटिकल पर। जैसा कि आपने मेरी पहले वीडियोस में भी देखा कि मैं आपको डायग्राम्स बनाना सिखाने जा रही हूँ अलग अलग तरीके से, बहुत इजी तरीके से। मैंने आपको पहले भी बताया है डायग्राम बनाना बहुत इजी है, डायग्राम को देख के घबराना नहीं है, कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत इजी तरीके से, बहुत आसानी के साथ, बहुत कम समय में आप डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं। और एक डायग्राम आपका सब कुछ बताता है कि आप, वो पिक्चर ही आपकी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती है। तो डायग्राम के लिए घबराना नहीं है, कम समय में और किस बेहतर तरीके से डायग्राम को बनाया जाए आज मैं आपको वही सिखाने जा रही हूँ। आज जो मैं आपको डायग्राम सिखाने जा रही हूँ वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आप जानते होंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। वो प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच वी रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, दैट इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेनली हम जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको हम डायग्राम को ड्रॉ करने जा रहे हैं वो है आपका यूरिनरी सिस्टम। कि जो यूरिनरी सिस्टम है, जो एक्सक्रीटरी, हम नॉर्मली उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको यूरिनरी सिस्टम बनाना सिखाने जा रही हूँ। यूरिनरी सिस्टम में जो हमारे मेन ऑर्गन्स होते हैं वो होता है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इन फोर मेन ऑर्गन होते हैं जिनको हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम शो करते हैं वो किडनी। किडनी आपकी कैसे होती है? बीन शेप। आपको ध्यान में रखना है कि आपका क्या चीज़ है। तो किडनी कैसे होती है हमारी? बीन शेप। तो हमें सिंपल बीन शेप बनानी है, एक थोड़ा ऊपर बनानी है और एक थोड़ा हमें नीचे बनानी है। किडनी क्या करती है? इट फिल्टर्स द ब्लड। जो भी आपका ब्लड आता है उसको क्या करती है? फिल्टर करती है, ठीक है। अब किडनी जो होती है, किडनी से क्या निकलते हैं? आपकी दो लॉन्ग ट्यूब निकलती हैं जो केवल क्या करती हैं, जो यहाँ फिल्ट्रेट होता है, जो यूरिन फॉर्मेशन होती है उसको क्या करती है? पास करती है अ स्मॉल चैम्बर, एक छोटी सी ब्लैडर में लेकर आती है। तो हम इसको शो करेंगे इस तरीके से, ये, ठीक है। अब आपका जो यूरिन होता है वो कलेक्ट होता है एक ऑर्गन में जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। आप सिंपल ब्लैडर भी कर सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो ब्लैडर होता है अल्टीमेटली एक छोटे से पोर से खुलता है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ये आपका एक सिंपल सा डायग्राम है। अब अभी आपका डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, तभी आप सोच रहे हो कि डायग्राम कंप्लीट हो गया है। ये डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें हमें बताना है आपका जो यूरिन फॉर्म होता है वो यूरिन में यहाँ पर ब्लड कैसे आता है। तो देखिए, ब्लड आने के लिए यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स होती है, ठीक है। तो हमें वो भी शो करना है कि वो आर्टरीज और वेन कैसे हम डिपिक्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इस तरीके से शो करते हैं। एक रीनल आर्टरी होती है और एक रीनल वेन होती है। थोड़ा सा ध्यान, पेशेंस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये आपका दोनों साइड में जाएगी, इसी तरह इसका भी जो है। अब आपको लेबलिंग करनी है। लेबलिंग करने के लिए फिर से हमें नियम का ध्यान रखना है। ज़्यादा पार्ट्स है तो हम डायग्राम को मिडल में बनाएंगे और जो है कैपिटल लेटर में लेबलिंग करेंगे। दूसरी बात क्या है, मोस्टली राइट साइड में लेबलिंग की जाती है, अगर आपका नंबर ज़्यादा है तो लेफ्ट साइड में हम लेबलिंग करेंगे। दूसरी बात ये, कोई भी डायग्राम में कोई भी कट्स नहीं लगाने हैं, कोई क्रॉस नहीं लगाना है। जो आज है, अभी इसमें हम थोड़ी सी शेडिंग भी कर सकते हैं इस तरीके से। डायग्राम को हमें अच्छा बनाना है तो हमें थोड़ा सा उसको शेडिंग कर दे ताकि वो डायग्राम आपका अच्छा लगे।
आपके को घबराने की जरूरत नहीं है, कलर पेंसिल नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, अपने पेंसिल कलर को यूज कर सकते हैं, अपनी पेंसिल से आप क्या कर सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरेटर है, कलरफुल पेंसिल से केवल इतना फायदा होता है कि आप हर ऑर्गन को बहुत इजीली आप दिखा सकते हैं। बस इसका एक यही फायदा है कि हम कलरफुल से हर ऑर्गन को इजीली क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। बस यही है। देखिए ये आपके रीनल, ये रीनल वेन है, तो मैं एक कलर से शो कर रही हूँ। ये रीनल वेन है आपकी, अब क्योंकि ये दोनों पार्ट्स में जा रही है तो इसको मैं इस तरीके से शो करूंगी। ऐसे ही आपका रीनल आर्टरी है, आर्टरी क्या करती है, प्योर ब्लड को लाती है, और वेन क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है। ठीक है, आर्टरी क्या करती है, प्योर ब्लड को कैरी करती है, इनका फंक्शन है। अब देखिए इसकी हम लेबलिंग करेंगे। ये आपके दोनों क्या है, किडनी। किडनी का फंक्शन क्या है, फिल्टर करता है। देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मेरा लाइन दर जा रही है, आप उसको ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। किडनी, मेन शेप ऑर्गन किडनी। देन यहां पे आपका क्या है, जो जस्ट पैसेज है जो यूरिन को किडनी से कहां लाता है, ब्लैडर में, इट इज नोन एज यूरेटर। जिस ऑर्गन में यूरिन आपका कलेक्ट होता है इसको बोलते हैं ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर। और वो ऑर्गन जहां से ब्लड एक्सक्रीट होता है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, अब इसके अलावा दो ऑर्गन्स और ड्रॉ करें, इसको बोलते हैं रीनल वेन। ये क्या करती है, तो इम्प्योर ब्लड होता है उसको कैरी करती है। रीनल, रीनल वर्ड जो होता है किडनी से ही रिलेटेड होता है। दूसरा साइड जो है आपका, ये है रीनल आर्टरी। ये आपका एक डायग्राम है, आप इसको एक फाइनल टच दे सकते हैं आप चाहें तो। थोड़ा सा मैंने आपको आपको पहले वीडियोस में भी बताया है, आपको स्केच पेन यूज नहीं करना है, आप चाहें तो मार्कर यूज कर सकते हैं, बहुत पतला थिन मार्कर आता है, आप उस मार्कर को यूज कर सकते हैं आउटलाइन के लिए। नहीं तो आपकी पेंसिल है, ब्लैक पेन है, उनको यूज करिए और आप एक आउटलाइन को, हाँ लास्ट में एक आउटलाइन जरूर ड्रॉ करिएगा ताकि वो एक डायग्राम आपका एक प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आ सके और आपका डायग्राम अच्छा और सुंदर दिख सके। तो एक कम समय में आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। जहाँ पे आपको स्केल यूज करना है, जैसे अब हम मैं आर्टरी बना रही हूँ, हो सकता है आर्टरी और वेन बनाने में आपको मुश्किल आ रही हो, तो आप ऐसे जगहों पे आप क्या कर सकते हैं, स्केल को यूज करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, उसको नीट एंड क्लीन भी बना सकते हैं।
और आखिर में एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप किसी भी डायग्राम को कंप्लीट करते हैं तो उसके नीचे किसका डायग्राम बना रहे हैं उसको लिखना ना भूलें। ऐसे ही नए नए डायग्राम्स आपको मैं सिखाती रहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर एक नए डायग्राम के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक के लिए बाय।